नमस्कार, जिला दर्शन की इस नई वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक नवीन जिला, छत्तीसगढ़ के नवीन जिला खैरागढ़ श्री खदान गंडे जिले के बारे में पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं नवीन जिलों के बारे में। इससे पहले राजनांदगांव, उसके बाद मानपुर मोहला और खैरागढ़ दोनों जिलों का दो नए जिले हैं दुर्ग संभाग के। ये चीज़ आप देखिए, ये राजनांदगांव है, ये खैरागढ़, नॉर्थ में खैरागढ़, साउथ में मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी। दो नए जिलों का गठन हुआ नया दुर्ग संभाग में, तो उसमें ध्यान में रखना खैरागढ़ दोनों अलग हुआ है राजनांदगांव जिले से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन के साथ। खैरागढ़ श्रीखदान गंडे, जिसको शॉर्ट में हम KCG भी बोलते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन और कुछ हिस्ट्री की चीज़ों को लेते हुए इस जिले के बारे में पढ़ेंगे। इस नए जिले के बारे में हमको जानकारी रखना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अब नए जिले से क्वेश्चन बनेगा। काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं, चाहे जियोग्राफिकली कंडीशन हो, चाहे पॉलिटिकल कंडीशन हो, हर चीज़ चेंज हो चुका है। तो ध्यान से समझते हुए चलना है जनरल इन्फॉर्मेशन के साथ। खैर वृक्षों की अधिकता के कारण, खैर एक होता है पेड़, खैर का पेड़ जिससे कत्था निकाला जाता है। कमेंट करके आप बताएं कत्था कौन सी जनजाति खैर वृक्ष से कत्था निकालने का काम करते हैं। खैर वृक्षों की अधिकता के कारण खैरागढ़ के क्षेत्र को खैरागढ़ कहा गया, ऐसा माना जाता है। प्रारंभिक राजधानी खोलवागढ़, प्रारंभिक राजधानी खोलवागढ़ कैसे हुआ आगे हम बढ़ेंगे हिस्ट्री में, जो कालांतर में बना खैरागढ़, इसलिए इस क्षेत्र को खैरागढ़ भी कहा जाता है। एक राजा हुए नागवंशी राजा, राजा का नाम था खड़गराय। खड़गराय के नाम पर खड़गरायगढ़ से यहाँ खैरागढ़ बना, ऐसा भी माना जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम हिस्ट्री से। अब थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे हर एक जिला का। खैरागढ़ का हिस्ट्री जानना जरूरी है। शासक खैरागढ़ रियासत के जो शासक हुए वो थे नागवंशी राजपूत शासक, ध्यान में रखना है आपको। खैरागढ़ के जो शासक थे वो नागवंशी शासक थे। मूल स्थान, अब वो खैरागढ़ में आए कहाँ से थे, तो एक जगह है छोटा नागपुर, छोटा नागपुर पर पालकोटगढ़ से, पालकोटगढ़ में एक राजा का शासन था, उस राजा का नाम था पृथ्वीकर्ण। पृथ्वीकर्ण के दो बेटे हुए, एक प्रताप निधि राय और दूसरा लक्ष्मी निधि राय। लक्ष्मी निधि राय छोटा बेटा थे और लक्ष्मी निधि कर्ण राय ने 1487 में छोटा नागपुर वाले क्षेत्र को छोड़ करके खैरागढ़ रियासत में एक जगह हुआ खोलवा, खैरागढ़ का एक परगना था खोलवा, वहाँ आके 1487 में अपनी कहना चाहिए राजधानी नियुक्त किया, अपना शासन क्षेत्र स्टार्ट किए। आगे और जानते हैं इसके बारे में। खोलवा से राजा लक्ष्मी निधि कर्ण राय जो 1487 में आए, उनके एक दरबारी कवि है, ये अक्सर लाइमलाइट में रहते हैं, एग्जाम के प्रोस्पेक्टिस से आपको जानना जरूरी है। दरबारी कवि का नाम दलराम राव या जिसे दलपत राव के नाम से भी जानते हैं। क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले छत्तीसगढ़ शब्द प्रयोग, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग अगर कोई किए थे तो वे कवि दलराम राव थे। ये प्रश्न बनता है अक्सर कि किसके दरबारी कवि थे, तो ध्यान में रखना खैरागढ़ रियासत के राजा राजा लक्ष्मी निधि कर्ण राय के दरबारी कवि थे दलराम राव, और साहित्य रचना में छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। राजा खड़गराय 1741 ईस्वी में उत्तराधिकारी हुए और इन्हीं ने खोलवा से राजधानी स्थानांतरित कर खैरागढ़ को राजधानी बनाया, खैरागढ़ को राजधानी का दर्जा दिया। खैरागढ़ में तीन नदी, मुस्का, आमनेर और पिपरिया, तीनों नदी के बीच में एक दुर्ग बनाया, किला बनाया, और वहाँ से अपना शासन क्षेत्र स्टार्ट किया राजा खड़गराय, और उस क्षेत्र को नाम दिया खैरागढ़, वर्तमान में जिसे हम खैरागढ़ बोलते हैं, इसी राजा खड़गराय के नाम पे खड़गगढ़ से खैरागढ़ बना है, ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के अनुसार। नेक्स्ट हम देखें राजा टिकैत राय। राजा टिकैत राय ने खैरागढ़ में एक मंदिर बनवाया है, मंदिर का नाम है रुक्खड़ स्वामी मंदिर, ध्यान में रखिएगा रुक्खड़ स्वामी मंदिर निर्माण करता राजा टिकैत राय। और कौन कौन से राजा हुए, तो राजा फतेह सिंह, इनके नाम पे खैरागढ़ में फतेह सिंह खेल मैदान, खेल मैदान ध्यान में रखिए, मैदान अक्सर पूछा जाता है, जैसे हाल ही में अभी एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था फुटबॉल मैदान के बारे में। तो ये मैदान जिले कौन से जिले में है ये नॉलेज में रखना इंपॉर्टेंट है। फतेह सिंह के नाम पर फतेह सिंह खेल मैदान कहाँ, तो खैरागढ़ जिला।
राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह इस वंश के या इस रियासत के अंतिम राजा हुए। राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह 1918 में शासक बने। 15 दिसंबर 1947 को खैरागढ़ रियासत का भारतीय संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। ये नाम आपको नहीं भूलना है। यदि खैरागढ़ जिला हम पढ़ रहे हैं तो राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह ध्यान में रखना है। अक्सर रियासतों के विलय पत्र पर साइन करने वाले राजा या रानी उनका नाम पूछा जाता है। अंतिम राजे हुए राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और इन्हीं के और यही राजा थे जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए खैरागढ़ के, खैरागढ़ रियासत के अंतिम राजा। आइए चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम पॉलिटिकल जियोग्राफी। नया जिला बना है तो उनका राजनीतिक भूगोल या पॉलिटिकल जियोग्राफी जानना बेहद जरूरी है। जिले का गठन हुआ था 3 सितंबर 2022 को। ये डेट ध्यान में रखिए, नवीन जिलों का गठन का समय 3 सितंबर 2022 को। अलग किससे हुआ, स्टार्टिंग में बताया था राजनांदगांव जिले से। संभाग किस में आता है तो दुर्ग, ये भी ध्यान में रखना। सीमावर्ती जिला कबीरधाम, बेमेतरा, दुर्ग और राजनांदगांव। सीमावर्ती राज्य एक मध्य प्रदेश। तहसील है कुल चार, गंडई, ठेकेदान, खैरागढ़। देखिए जो अभी नवीन जिला जो बन रहा है उनके नाम में ही उनके तहसील के बारे में पता चल जाएगा, जैसे मानपुर मोहल्ला अंबगढ़ चौकी, उसके अलावा दो और आपको याद में रखना। वैसे ही खैरागढ़, ठेकेदान, गंडई नाम में ही तहसील का नाम छुपा हुआ है। बस कुछ एक्स्ट्रा नवीन तहसील जो बनाए हैं उसे ध्यान में लेकर चलना है। जैसे ये सालेवारा, ये नवीन तहसील हो गया, तो खैरागढ़, ठेकेदान, गंडई और सालेवारा तहसील आपको ध्यान में रखना। विकासखंड है दो, खैरागढ़ और ठेकेदान। नगर पालिका परिषद एक, खैरागढ़। नगर पंचायत है दो, गंडई और छुईखदान। और विधानसभा क्षेत्र सिर्फ एक, खैरागढ़ में। तो ये हो गया हमारी राजनीतिक भूगोल या पॉलिटिकल जियोग्राफी। अब देखते हैं हम भौतिक भूगोल के बारे में। भौतिक भूगोल के बारे में खैरागढ़ में भौतिक कहना चाहिए, नेचुरल चीज़ें और घूमने लायक चीज़ें काफ़ी जगह पे हैं। स्टार्ट करते हैं हम नदियों से। तो खैरागढ़ में तीन प्रमुख नदी, मुस्का, आमनेर और पिपरिया। ये तीनों नदी के बीच में आपका खैरागढ़ शहर बसा हुआ है। यदि पूछा जाए क्वेश्चन कि खैरागढ़ शहर किन नदियों के बीच में बसा है, तो ये तीन नदी आपको ध्यान में रखना है, मुस्का, आमनेर और पिपरिया। उसके अलावा और कौन कौन सा नदी है, तो सुरही नदी और लमती नदी। मिनरल्स पाया जाता है, चूना पत्थर, लाइम स्टोन। खैरागढ़ का एक तहसील छुईखदान, वहाँ पे ऐसा मानते हैं कि पहले के टाइम में चूना, एक छुई, चूना का एक फॉर्म होता है छुई, छुई काफ़ी ज़्यादा पाया जाता था उस क्षेत्र में, इसलिए उस क्षेत्र का नाम छुईखदान पड़ा, ऐसा माना जाता है। और प्रमुखता खैरागढ़ जिले में सबसे ज़्यादा कौन सा खनिज पाया जा रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है चूना पत्थर। बांध कौन सा है, तो छिन्नारी बांध छुईखदान में। इसको इस बांध को रानी रश्मि देवी जलाशय के नाम से भी जानते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मोस्टली हम छिंदारी बांध के नाम से जानते हैं, लेकिन उनका जो ओरिजिनल नाम है रानी रानी रश्मि देवी जलाशय, जलाशय या बांध। छिंदारी बांध को रानी रश्मि देवी जलाशय का नाम दिया गया है। जलप्रपात कौन कौन सा है, ठाड़ पानी, घास कुआ, भोथली, भुझारी और नथिला। 1 2 3 4 5, पांचों जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, ठाड़ पानी, घास कुआ, भोतली, भुजारी और नथेला। तो ये हो गए यहाँ के भौतिक भूगोल के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हम खैरागढ़ जो नवीन जिला बना है वहाँ पे पुरातात्विक और पर्यटन सेक्टर में किन किन जगहों का महत्व है, ये हम देखेंगे। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, एशिया का अकेला या पहला कह सकते हैं हम इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में है, अभी काफ़ी चर्चा में भी है। ध्यान में रखिएगा, एशिया का खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, इसका इतिहास हम देखें तो 1944 में राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और रानी पद्मावती देवी, उनकी एक बेटी थी, बेटी की नाम था राजकुमारी इंदिरा। ये देख रहे हैं आप, जब आप यूनिवर्सिटी जाओगे तो आपके स्टैचू आपको मिल जाएगा, यह राजकुमारी इंदिरा जी। इन्हीं के नाम पर 1944 में एक महाविद्यालय स्टार्ट किया गया था, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। फिर 1956 में इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। ये चीज़ ध्यान में रखिए कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय को यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया था, तो 1956, किसके नाम में है,
तो रानी पद्मावती देवी और वीरेंद्र बहादुर सिंह जी की बेटी हुई राजकुमारी इंदिरा, उनके नाम पे ये इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है। और ये जो महल है, इस महल का नाम है कमल विलास, ये ध्यान में रखिएगा। जो अपने राजा ने महल को दान दिया था यूनिवर्सिटी ओपन करने के लिए, उस महल का नाम है कमल विलास। नेक्स्ट देखें हम उद्घाटन से रिलेटेड क्या कुछ खास था। तो जब इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया 14 अक्टूबर 1956 में, विजयदशमी के दिन, इंदिरा गांधी जो उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी हमारे देश की, वो इसके उद्घाटन में आए थे। और साथ साथ देखते हैं, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय एशिया का एकमात्र यूनिवर्सिटी, ये चीज़ ध्यान में रखना है। एशिया का एकमात्र यूनिवर्सिटी है जहाँ संगीत और ललित कला के क्षेत्र में अध्यापन कराया जाता है, जहाँ पे शिक्षण संकाय संचालित नहीं है। अब शिक्षण संकाय संचालित नहीं है का मतलब, आप यदि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में स्टडी करने गए हो और कहोगे कि मुझे प्लेन बीएससी करना है, तो वहाँ पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें आर्ट एंड स्किल से रिलेटेड है। जैसे आपको अगर बीए भी करना है, तो आप किसी सब्जेक्टिव के साथ साथ एक ऐसा कुछ आर्ट सब्जेक्ट आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट ज्वाइन करना पड़ेगा, चाहे वो फैशन डिज़ाइनिंग का हो, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग हो, पेंटिंग डिपार्टमेंट हो, जो लगभग रिलेटेड हो आर्ट से। तो ये क्वेश्चन बन चुका है एक बार कि खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में, इंदिरा कला यूनिवर्सिटी में शिक्षण संकाय है या नहीं। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ शिक्षण संकाय संचालित नहीं होता है। आर्ट गैलरी, पूरा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा आर्ट गैलरी सोनाबाई रजवार के नाम से खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में खोला गया है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा आर्ट गैलरी। ये चीज़ ध्यान में रखेगी, अभी करंट का ही है ये। सोनाबाई रजवार एक लोक चित्र कलाकार थी, सरगुजा जिले से थी, ये आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से जिले से थी। उनके नाम से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा आर्ट गैलरी, देखिए सोनाभाई रजवार कलावीथी का या कला या आर्ट गैलरी ओपन किया गया खैरागढ़ जिले में। नेक्स्ट देखते हैं हम सुई खदान के बारे में। अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान में रखिए, खैरागढ़ को और किस नाम से जाना जाता है, तो संगीत नगरी। खैरागढ़ को संगीत नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी संगीत के, इंदिरा कला के सेक्टर पे एक यूनिवर्सिटी है, इसलिए संगीत नगरी के नाम से छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर या जिला फेमस है, तो खैरागढ़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं छुई खदान, इसे शहीद नगरी के नाम से भी जानते हैं, शहीद नगरी। छुई खदान शहीद नगरी, पहले के समय में ये पान के लिए बहुत फेमस था, पान के लिए, पान जो हम खाते हैं, बंगला पान, बिलौरी पान, तो ये पान के लिए काफी ज्यादा फेमस था छुई खदान। किस शासक का शासन क्षेत्र था, तो बैरागी वंश। ध्यान में रखिए, बैरागी वंश एक और जिला में पढ़ाया था आपको, राजनांदगांव जिला में, एक और साथ ही साथ खैरागढ़ छुई खदान गंडई का, छुई खदान तहसील में या छुई खदान में बैरागी वंश का शासन क्षेत्र था। तो इनके जो राजा हुए, अंतिम राजा ऋतुपर्ण किशोर दास, ये नाम नहीं भूलना है आपको, ऋतुपर्ण किशोर दास छुई खदान रियासत के विलय पत्र पर साइन किए थे। कन्फ्यूज नहीं होइएगा, खैरागढ़ रियासत के पूछे तो राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह जी, छुई खदान का रियासत के पूछे तो ऋतुपर्ण किशोर दास, ये आपको ध्यान में रखना है। और क्या क्या चीज़ें छुई खदान में, इसके बारे में देखते हैं। बांके बिहारी और राधा कृष्ण मंदिर, जो मराठा शैली और वृंदावन शैली के मिश्रण से बना है, ये शैली ध्यान में रखना है। शैली अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा मंदिर किस शैली में बना हुआ है, तो बांके बिहारी राधा कृष्ण मंदिर है कहाँ छुई खदान में, और बना कौन सी शैली में है, तो मराठा और वृंदावन शैली आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ लक्ष्मी नारायण मंदिर, इसे रानी मंदिर के नाम से भी जानते हैं, ये चीज ध्यान में रखना है। लक्ष्मी नारायण मंदिर जिसे रानी मंदिर के नाम से जानते हैं, ये भी मराठा काल में निर्मित एक मंदिर है, और 1901 में रानी साहिबा श्रीमंत मोहन कुंवर देवी द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था, इसीलिए इस मंदिर को जो है रानी मंदिर के नाम से भी जाना गया। और ये मंदिर जो है अष्टकोणी मंदिर है, खैरागढ़ या केसी जी का अष्टकोणी मंदिर का नाम पूछे तो लक्ष्मी नारायण मंदिर या रानी मंदिर आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ विद्रोह या कुछ आंदोलन। तो 1938 में छुई खदान का जंगल सत्याग्रह हुआ था, नेता थे इनके, नेता श्याम नारायण मिश्र हरसुल,
ठीक है दान, जंगल सत्याग्रह प्रश्न पूछा जा चुका है, हो सकता है आने वाले टाइम में भी पूछ दे, क्योंकि नवीन जिला बना है तो वहाँ से आप जितने भी फैक्ट्स है वो आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो ठीक है दान में 1938 में दो जंगल सत्याग्रह हुए, दोनों के नेता आपको ध्यान में रखना है। 38 में दो छींकदान जंगल सत्याग्रह, एक का जो पहला हुआ नेता श्याम नारायण मिश्र हरसूल, दूसरा था समारू बरई। और 1939 में लगान बंदी के खिलाफ आंदोलन चला था छींकदान में। नेक्स्ट देखते हैं हम दशहरा। दशहरा को सेलिब्रेट करने का हमारे छत्तीसगढ़ में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीक़ों से सेलिब्रेट किया जाता है। बस्तर जाओगे आप, ऐसा दशहरा सेलिब्रेट करते हैं जिसका रामायण से कोई संबंध ही नहीं है, वहाँ पे ना रावण जलाया जाता है ना रामलीला किया जाता है। आप आ जाइए छींकदान, बाकी जगह पे आप जो दशहरे में रावण बनाया जाएगा उसके लिए एक स्टैचू तैयार किया जाता है लकड़ी से और भी चीज़ों से। ये जो छींकदान का जो रियासत का जो दशहरा है, यहाँ पे नुसार मिट्टी से मिट्टी का रावण बनाया जाता है। ये देखिए, ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये है, ये मिट्टी से बनाया हुआ रावण है। तो नुसार मिट्टी का रावण कहाँ बनाया जाता है, ऐसा दशहरा जहाँ पे मिट्टी से रावण बनाया जाता है, तो छींकदान आपको ध्यान में रखना है। किस मिट्टी से, तो नुसार मिट्टी से। और क्या क्या चीज़ें हैं छींकदान में, तो बैताल रानी घाटी, आठ घुमावदार, ये मोड़ ध्यान में रखिएगा, जैसे केशकाल घाटी का मोड़ पूछा जाता है वैसे इसका भी पूछा जा सकता है। बैताल रानी घाटी का नौ मोड़ है यहाँ पे, सॉरी नौ घुमावदार मोड़ है। और क्या है, तो नर्मदा मंदिर, और नर्मदा मंदिर के ठीक बगल में एक जलकुंड है, जिसे नर्मदा जलकुंड कहते हैं। यहाँ पे एक मंदिर है कलचुरीकालीन का, 10वीं से 11वीं ईस्वी का मंदिर भी और प्रतिमा भी, नर्मदा देवी का, गणेश का और वीरभद्र का। नर्मदा महोत्सव, ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है और इम्पोर्टेंट भी है। हर साल माघ पूर्णिमा के समय नर्मदा महोत्सव मनाया जाता है, कहाँ, तो खैरागढ़ छींकदान गंडई जिले में, जगह का नाम नर्मदा, मराठा कालीन पंचायतन शैली का यहाँ पे मंदिर है। तो ये कुछ जरूरी फैक्ट है जहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए चलना है आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हम देखें मंडी खो या मंडी खोल गुफा। 19वीं शताब्दी में ठाकुर टोला के जमींदार द्वारा गुफा के कक्ष में शिव मूर्ति का स्थापना किया गया, और प्रतिवर्ष वैशाख माह के अक्षय तृतीया, ये समय वैशाख माह के अक्षय तृतीया के बाद आने वाले पहला सोमवार को यहाँ पे मेला लगाया जाता है, और पूरे साल में केवल एक ही बार खुलता है ये मंडी फूल गुफा। ये समय, ये गुफा का स्थान छींकदान तहसील में पड़ता है, खैरागढ़ छींकदान मंडी का, ये ध्यान में रखना। मंडी फूल गुफा, इसको मंडी खो गुफा भी बोलते हैं। उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें, तो मड़िया खोल, डोंगेश्वर महादेव का मंदिर जो जंगलपुर के पास है, और मोटियारी घाट, अभी बैताल रानी घाट पड़े थे, ये मोटियारी घाट, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है छींकदान से रिलेटेड। नेक्स्ट देखें हम गंडई, तो गंडई का सबसे फेमस मंदिर भांडदेवर का मंदिर, एक शिव मंदिर है। ये जो मंदिर आप देख रहे हो ये शिव मंदिर है, और ये गंडई का, इसे भांडदेवर मंदिर भी बोलते हैं। भांड का मतलब होता है टूटा हुआ, तो इसीलिए इस मंदिर का नाम पड़ा भांडदेवर। ऐसा बोलते हैं कि इधर पूरा पहले स्ट्रक्चर था, लेकिन समय के साथ ये पूरा टूट गया, अभी इतना ही बचा है इस मंदिर के। तो ये इम्पोर्टेंट है गंडई में, इसीलिए ध्यान में रखना है आपको, भांडदेवर मंदिर भी कहते हैं। शैली नहीं भूलना है, कोई भी मंदिर हो, हर एक मंदिर का शैली ध्यान में रखना है आपको। नागर शैली की एक उप शैली है भूमिज शैली। यदि पूछा जाए नागर शैली नहीं है आंसर में, यदि ऑप्शन में भूमिज है तो भूमिज लगाना है, अन्यथा नागर शैली ऑप्शन में दिया रहेगा तो नागर शैली लगाना है। तो नागर शैली की एक उप शैली भूमिज शैली के मंदिरों का ये प्रतिनिधित्व करती है। 10वीं से 11वीं शताब्दी में कलचुरी राजाओं द्वारा निर्माण किया गया था। मंदिर का शिखर सप्तरथ शैली में निर्मित है, ये इम्पोर्टेंट है। भांडदेवर मंदिर का शिखर कौन से शैली में निर्मित है, तो सप्तरथ शैली में निर्मित है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक है, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। और साथ ही साथ क्या इम्पोर्टेंट है, तो मंदिर की दीवार में सतयुग, त्रेता और द्वापर, तीन
छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा मंदिर है जहां पे तीन युगों को दर्शाया गया है? तो भांडेर मंदिर, गंडई, ये चीज आपको ध्यान में रखना, सतयुग, त्रेता और द्वापर। नेक्स्ट देखें हम खटियारी, प्राचीन शिव मंदिर 12वीं-13वीं शताब्दी में, अभी आप जाओगे तो वो पूरा टूट चुका है वो, लेकिन ऐसा कहते हैं कि वो मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो भी अच्छा ब्रॉड बड़ा लेवल पे था। प्राचीन शिव मंदिर 12वीं-13वीं शताब्दी में स्थापत्य कला की दृष्टि से अभी मात्र अधिष्ठान और गर्भगृह बस बचा है। खटियारी का शिव मंदिर गंडी में, ये आपको ध्यान में। सालेवारा में सालेवारा घाटी एक नया तहसील भी है खैरागढ़ जिले का। पांडादाह, राजनांदगांव जिला जब मैं पढ़ाया था तो उसमें बताया था मैं कि पांडादाह जो है बैरागी वंश का पहला राजधानी हुआ था, उसके बाद वो लोग राजनांदगांव शिफ्ट हुए थे। अब वो पांडादाह खैरागढ़ जिले में आता है। पांडादाह देखिए, रियासतकालीन बैरागी राजाओं की राजधानी और प्रसिद्ध जगन्नाथ का मंदिर, हर साल यहाँ पे जगन्नाथ यात्रा निकलता है, और माँ भवानी का मंदिर करेला ग्राम में, माँ भवानी का मंदिर करेला ग्राम मैकाल श्रेणी पर्वत में है। तो ये खैरागढ़ जिले, खैरागढ़ छुईकदान गंडई जिले से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हमने ऐड किए हैं, और ये सारे फैक्ट्स जो है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से एक नवीन जिलों में, नवीन जिले से भी प्रश्न पूछेगा तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो आपको ये मिस नहीं करना, इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, एक एक चीज़ों को समझते हुए चलना है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।